नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, एचयू फॉरेस्ट गार्ड भर्ती 2021 के रिलेटेड दो बड़ी नोटिफिकेशंस आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए ये होने वाली है, क्योंकि जो भी फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती देना चाहते हैं और जिन्होंने फॉर्म भरे थे, तो वो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें, ताकि उनको पूरी अपडेट के बारे में पता लग सके। हम ऑफिशियली अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो पर बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली हिमाचल प्रदेश की हर लेटेस्ट बड़ी अपडेट की जानकारी हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन्होंने भी एचयू फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के फॉर्म भरे थे और जिनकी भर्ती के जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए थे, तो उनके साथ जोर से शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता लग सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी जानकारी आपको डिटेल में बताते हैं। वन विभाग हिमाचल प्रदेश वन वृत्त शिमला के जो भी कैंडिडेट्स हैं, आवश्यक सूचना उनके लिए है। सभी आवेदकों जिन्होंने वन वृत्त शिमला में वन रक्षक की भर्ती हेतु आवेदन किया है, को सूचित किया जाता है कि प्रशासनिक कारणों से शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का स्थान हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ग्राउंड समर हिल शिमला से बदल दिया गया है। अब यह परीक्षा PET राजकीय उच्चतर विद्यालय जुंगा जिला शिमला में ऑनलाइन माध्यम से जारी एडमिट कार्ड पर बताई गई तिथि व समय पर होगा। अतः सभी आवेदक निर्धारित तिथि व समय पर शारीरिक दक्षता फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हेतु राजकीय उच्चतर विद्यालय जुंगा के ग्राउंड में उपस्थित हों। शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के संबंध में यदि कोई भी अभ्यर्थी जानकारी लेना चाहते तो वे वन वृत्त शिमला कार्यालय के दूरभाष नंबर ये बता रखे हैं और मोबाइल नंबर भी बता रखा है पर संपर्क कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण की तिथियों का विवरण निम्न प्रकार से है, तो पूरी आपको डिटेल शेड्यूल बताते हैं आपको। तो यहाँ पे इन्होंने सीरियल नंबर और डेट बता रखी है किस दिन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और एप्लीकेशन नंबर इतने एप्लीकेशन नंबर से लेकर इतने एप्लीकेशन नंबर तक 21 तारीख को होगा, और 704 कैंडिडेट्स इन्होंने बुलाए हुए हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी प्रकार 21/9/2021 से ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होंगे वन वृत्त शिमला जो सर्कल है। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा बता रखा है, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये ऑफिशियली अपडेट है, आप देख पा रहे होंगे 17/7/2021 की, और यहाँ पे नंबर भी इन्होंने बता रखा है और यहाँ पे हस्ताक्षर भी हुए हैं। तो अब सेकेंड नोटिफिकेशन आपको बताते हैं। जो ये नोटिफिकेशन है ये भी शिमला के लिए है, बट यहाँ पे वन्य प्राणी वृत्त दक्षिण शिमला सार्वजनिक सूचना यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे 15 पदों की भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता होनी थी 13/10/2021 से 14/10/2021 तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मैदान समर हिल शिमला 5 की बजाय प्रशासनिक कारणों से राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जुंगा जिला शिमला में रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख लें जहाँ भी आपकी भर्ती होगी, यहाँ पर अब भर्ती होगी। पहले आपकी भर्ती हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मैदान समर हिल 5 में होनी थी, तो अब इन्होंने चेंज करके यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, अगर कोई इंक्वायरी है आपको तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डेट ऑफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो यहाँ पे बता रखी है 13/14/10/2021 को, तो यहाँ पे फॉर्म नंबर यहाँ पे बता रखे हैं इतने फॉर्म से इतने फॉर्म तक, तो यहाँ पे आप देख लें डेट वाइज। और यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एडमिट कार्ड जारी ना होने की स्थिति में विभागीय वेबसाइट पर जाकर जो है आप आवेदनों की सूची जांच लें। तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है पूरा। तो दोस्तों, ये भी 17/7/2021 को जारी की गई है। आई होप आपको अपडेट अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय हिमाचल।